हाई गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग डीप लर्निंग में CNN पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे काम करता है वो देखा। आज की वीडियो में हम लोग दो और ऑपरेशंस देखेंगे जिनके ऊपर CNN बहुत डिपेंड करता है। वन ऑफ देम इज पैडिंग एंड द अदर वन इज स्ट्राइड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, पैडिंग और स्ट्राइड्स पढ़ने के पहले, स्पेसिफिकली पैडिंग पढ़ने के पहले एक बार समझते हैं कि पैडिंग की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, सो अभी आपके स्क्रीन पर यू कैन सी अ जिफ इमेज जहां पर मैंने आपको कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन दिखाया है। यू कैन सी हमारे पास एक इमेज है विच इज़ 5x5, हमारे पास एक फिल्टर है विच इज़ 3x3, और जब हम इस फिल्टर को इस 5x5 इमेज के ऊपर कॉन्वॉल्व करा रहे हैं तो हमें ये फीचर मैप मिल रहा है विच इज 3x3। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट फर्स्ट कि यहाँ पे आपको दो प्रॉब्लम्स दिखेंगी। पहला प्रॉब्लम क्या है कि आप जब एक फिल्टर को कॉन्वॉल्व कर रहे हो ऑन एन इमेज, आपको जो फीचर मैप मिल रहा है ना उसका साइज इमेज से छोटा है। जैसे कि इमेज यहाँ पर 5x5 है बट जो फीचर मैप है वो सिर्फ 3x3 है। अब क्या होगा कि अगर आप फिर से इस फीचर मैप के ऊपर एक और फिल्टर अप्लाई करो तो फिर साइज और घट जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद कॉन्वोल्यूशन कि आप जितने कॉन्वोल्यूशन लेयर्स अप्लाई करोगे अपने इमेज के ऊपर, आपका इमेज हर लेयर के बाद छोटा होते जाएगा। इन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन आप लूज करने लगोगे विच इज नॉट अ गुड थिंग। दिस इज प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर टू अगर आप देखना चाहो तो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि ये जो आपके साइड वाले जो बॉर्डर वाले पिक्सल्स हैं वो कम नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशंस का पार्ट बनते हैं इन कंपैरिजन टू ये सेंटर वाले पिक्सल्स। सोच के देखो, ये जो ऊपर वाले पिक्सल्स हैं ये सिर्फ एक एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का पार्ट है, वेयर एज अगर आप इस बीच वाले टू को देखो तो ये 3 से 4 अलग कॉन्वोल्यूशंस का पार्ट है। विच बेसिकली मीन्स कि जब फीचर मैप बनेगा तो ये बीच वाले पिक्सल्स का ज्यादा से रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, वेयर एज जो साइड वाले पिक्सल्स हैं उनका से घट जाता है। सो अगर इंफॉर्मेशन साइड के पिक्सल्स में ज्यादा क्रूशल है तो वो उस तरीके से फिल्टर आउट होके सामने नहीं आएगा। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम विथ कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, और इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है पैडिंग, जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस पैडिंग। सो अगर आपको याद होगा हमने कॉन्वोल्यूशन वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास n क्रॉस n इमेज है और लेट्स से f क्रॉस f का फिल्टर है तो आपका जो फीचर मैप बनता था उसका शेप होता था n माइनस f प्लस 1 क्रॉस n माइनस f प्लस 1। जैसे कि यहाँ पर 5x5 इमेज है, 3x3 फिल्टर है, तो गोइंग बाय दिस फॉर्मूला इट वुड बी 5 माइनस 3 प्लस 1, तो दैट इज वाई दिस इज अ 3x3 फीचर मैप। बट हमें क्या चाहिए कि हमें ये n माइनस f प्लस 1 शुड बी इक्वल टू n। हम यही चाहते हैं ना कि इमेज का साइज रिड्यूस नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली वी वॉन्ट दिस कि n माइनस f प्लस 1 शुड बी इक्वल टू इन दिस केस 5, राइट? तो हम लोग फिल्टर का साइज तो चेंज करेंगे नहीं, हम लोग क्या करते हैं पैडिंग में, हम लोग इमेज का साइज चेंज करते हैं। सो फिल्टर का साइज यहां पर है 3, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 8 माइनस 1, सो n का वैल्यू हो जाएगा 7। सो बेसिकली समहाउ हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू कीप द इमेज ऑफ सेम साइज हमें इस 5x5 को 7x7 में कन्वर्ट करना है। सो पैडिंग में आप एसेंशियली करते क्या हो कि आप ऊपर और नीचे, राइट और लेफ्ट इमेज के एक एक कॉलम और रो ऐड कर देते हो लाइक दिस। सॉरी फॉर द ड्रॉइंग बट यू गेट द आइडिया। आपने दो रोज और दो कॉलम्स ऐड कर दिए और अब ये जो रिजल्टेंट इमेज है इसका शेप इज 7x7। दिस इज अ 7x7 इमेज। तो ये जो चारों तरफ से आपने बाउंड्री किया है इसी को पैडिंग बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड पैडिंग। और जनरली आप जो देखोगे पैडिंग में जो वैल्यूज होती हैं, पिक्सल वैल्यूज, वो जीरो होती हैं।
कि सारी वैल्यूज जीरो होती हैं, और इसीलिए इसको लिटरेचर में जीरो पैडिंग भी बोला जाता है। केराज में यू कॉल इट जीरो पैडिंग, बिकॉज आप जीरो वाली वैल्यूज से अपने पूरे इमेज को पैड कर रहे हो, दैट इज वाई यू कॉल इट जीरो पैडिंग। ठीक है, अब मैं आपको क्विकली दिखाता हूं कि जब आप जीरो पैडिंग के ऊपर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा। सी गाइज, दिस इज द कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन ऑन टॉप ऑफ अ पैडेड इमेज। ठीक है, यहाँ पर हमने हमारा जो इमेज था 5x5 उसको 7x7 किया यूजिंग जीरो पैडिंग, और उसके ऊपर 3x3 का हमने फिल्टर चलाया, एंड यू कैन सी नाउ द फीचर मैप दैट वी आर गेटिंग इज अ 5x5 फीचर मैप। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके, इफ पॉसिबल कॉपी पे ड्रॉ करके समझ सकते हो। सो विदाउट पैडिंग जो फॉर्मूला था फीचर मैप का साइज कैलकुलेट करने का, वो था n-f+1, इफ यू रिमेम्बर। अब पैडिंग के बाद ही फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है n+2p-f+1, दिस इज द फॉर्मूला। सो अगर आपके पास 5x5 इमेज है और आपने 3x3 का फिल्टर कॉन्वॉल्व कराया, तो n हो गया 5, पैडिंग आपने 1 का लिया, -3+1, दिस वुड बी 5+2, 7-3+1, सो दिस वुड बी 5। सो जो रिजल्टेड इमेज था वही आपका इमेज बन जाएगा, सेम साइज का फीचर मैप, सेम साइज का। ठीक है, अब अगर आप केरास की बात करो, बिकॉज आफ्टर ऑल यू विल बी यूजिंग केरास, केरास में दो तरह के पैडिंग ऑप्शंस आते हैं, वन ऑफ देम इज वैलिड। सो वैलिड में आप पैडिंग अप्लाई नहीं करते, नॉर्मल जिस तरीके से कॉन्वोल्यूशन होता है वैसे ही होता है। ठीक है, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज सेम, सेम आप जैसे ही अप्लाई करोगे, केराज ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेगा कि इमेज के ऊपर कितना पैडिंग अप्लाई करना है, सो दैट फीचर मैप और जो इमेज है, इनपुट इमेज, उनका साइज सेम हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको केराज में एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ कि कैसे आप वैलिड और सेम पैडिंग अप्लाई कर सकते हो। सो लेट मी क्विकली शो यू पैडिंग और विदाउट पैडिंग का डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ केराज। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा कोड है, मैंने यहाँ पे केरास का सारा जो इम्पोर्ट लेना था वो लिया है। यहाँ पर मैंने केरास में बिल्ट इन एमनेस डेटा सेट आता है, मैंने उसको लोड कर लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मॉडल बनाया है विच इज़ अ CNN मॉडल। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन 2D बोल के एक लेयर होता है, जैसे ANN के लिए डेंस लेयर होता है, कॉन्वोल्यूशंस के लिए कॉन 2D लेयर होता है। ठीक है, वहां पे मैंने 32 फिल्टर्स लगाए हैं, फर्स्ट लेयर में आई एम यूजिंग 32 फिल्टर, और हर फिल्टर का साइज है 3x3। ठीक है, पैडिंग मैंने रखा है वैलिड, वैलिड का मतलब पैडिंग यूज नहीं होगा, एक्टिवेशन है रेल्यू, और यहाँ पे मैंने इनपुट शेप अपना बता दिया है कि 28x28x1, दिस इज द साइज ऑफ माई इनपुट इमेज। ठीक है, फिर मैंने एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाया है जिसमें बिल्कुल सेम सेटिंग है, और फिर मैंने एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाया है जिसमें बिल्कुल सेम सेटिंग है। ये तीन कॉन्वोल्यूशन क्रॉस करने के बाद मैंने मॉडल को, मतलब जो भी डेटा है उसको फ्लैटेन किया, 1D में कन्वर्ट किया, और उसको मैंने फुली कनेक्टेड लेयर में भेज दिया। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ आर CNN। अब जब मैंने समरी चलाया है तो यहाँ पर आप फोकस करो कि इमेज जब शुरू में हमारे पास आया था दैट वॉज 28x28, अब देखो कितना हो गया फर्स्ट लेयर के बाद, 26x26, उसके बाद 24x24, और उसके बाद 22x22, और उसके बाद फिर हमने उसको 1D में कन्वर्ट किया। बट यू गेट द आइडिया, n-f+1 वाला फॉर्मूला लगा, तो n शुरू में था 28, माइनस फिल्टर साइज 3 था 25+1, 26 हो गया, और वही फॉर्मूला लगते लगते इमेज छोटा होता चला गया। ठीक है, अब इसका ठीक उल्टा काम करता है सेम पैडिंग, तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल सेम मॉडल है, एक्सेप्ट वन थिंग, एंड दैट इज कि पैडिंग का वैल्यू मैंने यहाँ पे सेम लिया है, यहाँ पे मैंने वैलिड लिया है। ठीक है, एंड यू कैन सी जब मैंने सेम रखने के बाद सब कुछ सेम है, जैसे मैंने समरी किया, यू कैन सी 28x28, 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 एंड यू कैन सी कहीं भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुआ आफ्टर यूजिंग पैडिंग। ठीक है, तो ये कोड आप लोग एक बार ट्राई आउट करके देखो, यहाँ पे आप दो चीजें सीखोगे, पहला कॉन्वोल्यूशन लेयर्स बिल्ड कैसे करते हैं, दूसरा
आप पैडिंग कैसे अप्लाई करते हो। अब हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और वो है स्ट्राइड्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्राइड्स होते क्या हैं, और थोड़ा उसके बारे में इंट्यूशन लेंगे, और लास्ट में आई विल एक्सप्लेन कि स्ट्राइड्स की ज़रूरत क्यों है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर मेरे पास एक 7x7 इमेज है और एक 3x3 फिल्टर है। आपको कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन पता है, आप क्या करते हो, इस फिल्टर को उठाते हो और उसको इस इमेज के ऊपर कॉन्वॉल्व कराते हो। कॉन्वॉल्व कराने का मतलब आप उसको इस तरीके से रख करके एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन करोगे, राइट। बट उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कि हम इस फिल्टर को इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और यहाँ पे आ जाता है फिल्टर इस जगह पे, राइट। तो जो ये शिफ्ट हुआ ना इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो वो शिफ्ट आपका काइंड ऑफ 1 पिक्सल का था। तो इसी को बोला जाता है स्ट्राइड इक्वल टू 1, राइट। फिर आप यहां पे आ जाओगे, फिर आप यहां पे आ जाओगे, और फिर आप यहां पे आ जाओगे, और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप नीचे आ जाओगे इस जगह पे, यहां पे आ जाओगे। तो अगेन आपने ऊपर से जो आप नीचे आए, ये भी आपने 1 पिक्सल का लिया। तो आप बोल सकते हो कि आपका जो स्ट्राइड है इस कॉन्वोल्यूशन में, दैट इज 1x1। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने फिल्टर को मूव कैसे कर रहे हो, 1 पिक्सल टू द राइट, और जैसे ही राइट में आप लास्ट में पहुंच गए तो 1 पिक्सल टू बॉटम। तो आप चाहो तो स्ट्राइड चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो स्ट्राइड को 2 बना सकते हो, या 2x2 भी बना सकते हो। लेट मी शो यू वो कैसे काम करेगा। आई जस्ट इरेज दिस एंटायर थिंग। सो 2x2 में क्या होगा, आप जब शुरू करोगे तो आप यहां पे होगे जैसे नॉर्मली होते हो, बट इस बार आप यहां से इस जगह पे नहीं आओगे, आप सीधे यहां आ जाओगे, और आपका अगला कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन यहां पे होगा, राइट। उसके बाद आप यहां से यहां आ जाओगे सीधे 2 का जंप, और आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब फिर से जब आपको नीचे जाना है तो आप यहां ना जा करके आप यहां जाओगे सीधे, सो आपका ऑपरेशन यहां पे होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर यहां पे होगा इस जगह पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब मैं चाहता हूं आप एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो कि स्ट्राइड को बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे रिजल्ट के ऊपर, हमारे फीचर मैप के ऊपर। एक चीज तो शायद आपको ऑलरेडी समझ में आ रही होगी कि अगर आप स्ट्राइड बढ़ाओगे तो आपका जो फीचर मैप है उसका साइज और डिक्रीज हो जाएगा, राइट। इनफैक्ट आई विल टेल यू द फॉर्मूला। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि n-f+1 ये होता है हमारा फीचर मैप का साइज। तो इसमें क्या चेंज हो जाता है, अगर आपके पास एक स्ट्राइड है एस बोल के, तो ये फॉर्मूला हो जाता है n-f+1। एक्चुअली जस्ट 1 सेकेंड, n-f डिवाइडेड बाय s+1, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप इसमें पैडिंग भी कंसिडर करना चाहते हो, लेट्स से पैडिंग इज p, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा n+2p-f डिवाइडेड बाय 2+1, ठीक है। जैसे कि अभी यहां पे मान लो पैडिंग नहीं है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, 7, n का वैल्यू 7-3 डिवाइडेड बाय, मान लो 2 का आपने स्ट्राइड लिया है तो 2+1, ठीक है। अब 7-3 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो 2+1=3। तो हमारे पास यहाँ पे जो फीचर मैप बनता वो 3x3 का बनता, ठीक है। वही अगर आप एक पैडिंग भी ले लेते, अगर आप एक पैडिंग ले लेते तो क्या होता आउटपुट, आउटपुट होता 7+2
माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, ठीक है? तो नाइन माइनस थ्री सिक्स डिवाइडेड बाय टू थ्री प्लस वन इज इक्वल टू 4 क्रॉस 4। सो यू कैन सी कि 7 क्रॉस 7 में जब आपने पैडिंग ऐड किया तो भी आपका जो इमेज साइज है फीचर मैप का वो रिड्यूस हो गया, 4 क्रॉस 4 हो गया। तो इन्फॉर्मेशन लॉस होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप स्ट्राइड यूज करोगे तो आपका फीचर मैप विल बी स्मॉलर। जैसे जैसे आप स्ट्राइड बढ़ाओगे आपका जो फीचर मैप है उसका साइज कम होगा, और कितना कम होगा दैट विल बी गवर्न्ड बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है? ऑल्सो जब आप स्ट्राइड को 1 से ज्यादा रखते हो तो उसको स्ट्राइडेड कॉन्वल्यूशन बोला जाता है लिटरेचर में। तो अगर कोई बोल रहा है स्ट्राइडेड कॉन्वल्यूशन तो इसका मतलब वो स्ट्राइड का कुछ और वैल्यू यूज कर रहा है अपार्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 1। सो नाउ गाइज लेट मी शो यू अ स्पेशल केस। मान लो हमारे पास ये 7 क्रॉस 6 का इमेज है और फिल्टर साइज इज 3 क्रॉस 3। तो वीडियो पॉज करके आपको बताना है कि जो आउटपुट फीचर मैप होगा उसका साइज क्या होगा। क्यों बोला मैंने ये स्पेशल केस है? बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम, लेट मी शो इट टू यू। सो मान लो आपका स्ट्राइड आपने रखा 2 का, ठीक है? तो होगा कैसे, आप पहले यहां से यहां पे आ जाओगे, दिस विल बी द मूवमेंट, राइट? फिर आप यहां से यहां पे आ जाओगे एंड दिस विल बी द मूवमेंट, राइट? यहां पे आप सारा कंप्लीट हो गया, तो आप यहां से अब यहां पे आ जाओगे एंड दिस विल बी योर मूवमेंट, ठीक है? उसके बाद दिस विल बी द मूवमेंट एंड फाइनली यहां पे आप आ जाओगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप यहां से जैसे यहां पे जंप करोगे आपके पास इनफ पिक्सल्स ही नहीं है टू क्रिएट दिस बॉक्स, यू डोंट हैव इनफ पिक्सल्स। तो इन दिस केस आपका जो आउटपुट फीचर मैप बनेगा वो ऐसा होगा, 3 रोज 3 कॉलम्स, 2 बाई 3 का बनेगा, क्योंकि आप ये लास्ट वाला कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे बिकॉज आपके पास इनफ पिक्सल्स नहीं है, ठीक है? तो ऐसा कभी कभी हो सकता है अगर आप स्ट्राइड का वैल्यू अलग लेके चल रहे हो। तो अगर मान लो कोई आपसे बिना ये ऑपरेशन परफॉर्म कराए डायरेक्टली पूछ ले कि इनपुट में 6 क्रॉस 7 का इमेज है और 3 क्रॉस 3 का फीचर है फिल्टर है, तो व्हाट वुड बी द साइज ऑफ फीचर मैप? तो ऊपर वाले फॉर्मूले से आप ये कैसे निकालोगे? फॉर्मूला था एन माइनस एफ डिवाइडेड बाय एस प्लस 1। तो एक बार हम लोग रो के लिए निकालते हैं, तो रो के लिए हो जाएगा 6 माइनस 3 बाय 2, स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन है 2 का। तो यहां पर देखो क्या हो गया, 6 माइनस 3 हो गया 3, और 3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 1.5। तो दिस इज 1.5 प्लस 1। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि अगर कभी भी ये डेसिमल वैल्यू आ रहा है डिवाइड करने के बाद तो आप फ्लोर ऑपरेशन लगाते हो, ठीक है? मतलब 1.9 है तो भी 1, 1.1 है तो भी 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है? तो आपका फीचर मैप का नंबर ऑफ रोज तो 2 हो गए जो कि आपको दिख भी रहा है। ये कैलकुलेशन फिर से करते हैं, अब हो जाएगा 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये रहा आपका आउटपुट। तो ये आपको ख्याल रखना है कि कभी कभी स्ट्राइड्स का वैल्यू चेंज करने पे यू कैन गेट डेसिमल वैल्यूज, विच बेसिकली मीन्स उसका इंट्यूशन ये है कि आपके पिक्सल्स कम पड़ गए, और अगर पिक्सल्स कम पड़ गए तो हमने फ्लोर क्यों किया? बिकॉज हम इस ऑपरेशन को कंसिडर ही नहीं कर रहे, ठीक है? तो आई होप आपको ये एक स्पेशल केस समझ में आ गया। सो स्ट्राइडिंग का व्हाट एंड हाउ तो हमने समझ लिया, बट वाई के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है कि स्ट्राइड्स का जरूरत क्या है या स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन का जरूरत क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो एक चीज तो क्लियरली इस जिफ इमेज से आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन हो रहा है, स्ट्राइड का वैल्यू 2 है, कि जो आपका पूरा का पूरा ये मॉडल है, जो फिल्टर है, इट्स स्किपिंग थ्रू इन्फॉर्मेशन, थोड़े जंप्स ले रहा है, इन्फॉर्मेशन को स्किप कर रहा है। तो जनरली स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशंस यूज करने के 2 प्राइमरी रीजंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हेन यू जस्ट वांट हाई लेवल फीचर्स
from your image. And you don't want low level features. Low level features बोलते हैं बारीकियों को. एक इमेज में बहुत बारीकी होती है. अगर आपका स्ट्राइड का वैल्यू कम है तो आप उन बारीकियों को कैप्चर कर पाते हो. अगर आपका स्ट्राइड का वैल्यू आप बढ़ाने लग जाओगे तो आपका जो सी एन एन है वो उन बारीक फीचर्स, लो लेवल फीचर्स को कैप्चर नहीं करेगा, सिर्फ हाई लेवल मोटे मोटे फीचर्स को कैप्चर करेगा. तो ऐसा हो सकता है कि कभी आप कुछ ऐसे कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो जहां पर इमेज के ऊपर आपको सिर्फ हाई लेवल फीचर्स की ही जरूरत है. इन दैट केस यू वुड नॉट यूज स्ट्राइड का वैल्यू लाइक इक्वल टू वन, यू वुड इंक्रीज इट टू टू और थ्री. ठीक है. एंड द सेकेंड रीजन इज कंप्यूटिंग पावर. आपको बहुत बड़े डेटा सेट पे बहुत सारा ट्रेनिंग करना है तो आप स्ट्राइड्स का वैल्यू ना बढ़ा दोगे सो दैट ट्रेनिंग फास्ट हो जाए. ऑब्वियसली बिकॉज अगर स्ट्राइड का वैल्यू कम है तो दैट ट्रेनिंग विल टेक मोर टाइम. ठीक है. ऑल्दो ये सेकेंड वाला रीजन अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा बिकॉज जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर बढ़ा है तो अब लोग जनरली स्ट्राइड का वैल्यू वन रख करके ही अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं. ठीक है. सो ऑनेस्टली स्ट्राइड अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने 5-10 साल पहले थे. बट आज की डेट में भी इन सर्टेन प्रॉब्लम्स यू यूज स्ट्राइड. ठीक है. तो अब मैं आपको बस एक लास्ट चीज करके दिखाता हूँ. मैं आपको केराज में शो करके दिखाता हूँ कि स्ट्राइड को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है इन योर मॉडल. सो दिस इज द कोड फॉर केराज. मैंने बिल्कुल सेम मॉडल यूज किया है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया. इसमें बस एक चीज आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पर मैंने एक स्ट्राइड्स बोल के पैरामीटर ऐड किया है जिसका जो वैल्यू है वो एक टपल है. ठीक है. और उस टपल में आप दो नंबर्स दे रहे हो. मेरे केस में इट इज 2x2 विच बेसिकली मीन्स कि हम जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो 2 pixels का करेंगे और जब वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे तो भी 2 pixels का करेंगे. आई गेस आपको ये समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हो. मतलब यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 का मूवमेंट करोगे और वर्टिकल डायरेक्शन में 1 का मूवमेंट करोगे. ठीक है. तो इट डिपेंड्स, आप ये सब आगे समझ जाओगे बट यू गेट द आइडिया कि किस तरीके से स्ट्राइड्स को ऐड किया जाता है. ठीक है. सो एक बार मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ. इफ यू रिमेंबर हमारा इनपुट साइज वॉज 28x28 और हमने 3 कॉन्वोल्यूशन लेयर्स ऐड किए हैं और तीनों पे हमने स्ट्राइड्स अप्लाई किए हैं. सो यू कैन सी द मॉडल समरी. आफ्टर द फर्स्ट लेयर Our image is reduced to 14x14. उसके सेकेंड वाले लेयर के बाद 7x7 और 4x4. You can see कितना तेजी से आप इंफॉर्मेशन लूज करते जा रहे हो. ठीक है. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 14x14 क्यों आया. सो अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो n हमारा इस केस में है 28. पिक्सल पैडिंग का वैल्यू इज 1 तो इट वुड बी 2 × 1 2. फिल्टर इज 3 डिवाइडेड बाय स्ट्राइड इज 2 प्लस 1. सो 28 + 2 इज 30. 30 − 3 = 27. 27 / 2 इज 13.5 प्लस 1. फ्लोर करना है 13 प्लस 1 14. और वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आई वुड रिकमेंड आप आगे जाके क्रॉस चेक कर लो कि 7x7 और 4x4 क्यों आना चाहिए. ठीक है. तो जो भी है, स्ट्राइड इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आपको पता होना चाहिए. बट ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. आई वुड गिव यू अ टास्क कि आप क्या करो कि आप 3D इमेज के ऊपर, RGB इमेज के ऊपर थोड़ा एक बार विजुअली इमेजिन करने की कोशिश करो कि स्ट्राइड और पैडिंग कैसे काम करेगा. दैट इज योर टास्क फॉर दिस वीडियो. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज. आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए. आई नो बहुत डिफिकल्ट नहीं था बट आई वुड रिकमेंड एक बार आप कॉपी पेन लेकर के सारे कॉन्सेप्ट्स काइंड ऑफ रिवाइज कर लो. गोइंग फॉरवर्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने जाएंगे पोलिंग ऑपरेशन और उसके बाद हम लोग पूरा CNN आर्किटेक्चर बनाना सीखेंगे. सो आई होप यू आर एक्साइटेड आगे के वीडियोस के लिए. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.